एक बार की घटना है, श्री देवरा बाबा के एक भक्त हर प्रसाद शुक्ल, उनकी तैनाती बनारस में पुलिस कप्तान के पद पर हुई थी। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ श्री बाबा के दर्शन करने नाव पर बैठकर गए। श्री देवरा बाबा का मचान गंगा जी में जल के मध्य में ही लगता था और दर्शन करने वाले भक्त नाव के द्वारा ही बाबा के पास दर्शन करने के लिए जाते थे। शुक्ला जी की नाव भी बाबा के मचान के पास रुकी। उन्होंने अपना परिचय दिया, बाबा मैं कप्तान हूँ बनारस का, हर प्रसाद शुक्ल हूँ और मेरे साथ कुछ मित्र आपके दर्शन के लिए आए हैं। बाबा ने अपने सेवक से उन सबको प्रसाद दिलवाया और कहा, बच्चा फिर आना। और बाबा ने नाव वाले को आज्ञा दी, हे बच्चा फौरन जाओ। शुक्ला जी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि उन्हें पद का घमंड भी था कि वे कप्तान हैं, और बाबा ने तुरंत छुट्टी कर दी बिना कुछ बात किए। नाव वाले ने उन्हें बताया कि और पुलिस अफसरों को तो बाबा देर तक रोकते हैं, परंतु आपको जाने को कह दिया, पता नहीं क्या है। बाबा ने बड़े जोर से कहा, नाविक तुम सुनते नहीं, नाव फौरन ले जाओ। इस समय वहां कोई नाव नहीं थी। नाविक बेचारा नाव वापस ले चला और वे सभी भक्त भी आश्चर्य में पड़ गए। आज श्री बाबा को क्या हो गया? बाबा का आज मन ठीक नहीं है, शीघ्र ही वापस भेजने का हम कुछ समझ नहीं पाए, ऐसा वे भक्त सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही नाव किनारे आकर लगी तो उन लोगों ने देखा कि उनके नाव के उतरते ही इतनी जोर से आंधी आई कि जिसका वे अनुमान ही नहीं लगा सकते थे। अगर कहीं रास्ते में यानी नदी के बीच में वो आंधी आती तो उनकी नाव उड़ जाती और सभी की समाधि गंगा जी में ही लग जाती। तभी उनको ये ज्ञान हुआ कि बाबा ने आज उन्हें इतनी जल्दी छुट्टी क्यों कर दी थी, क्योंकि बाबा भविष्य को जानते थे। बाबा को पता रहता था कि आगे क्या होने वाला है। मित्रों, इसके पीछे भी एक साइंस है जो श्री देवरा बाबा ने कही थी। बाबा ने बताया, बच्चा प्रत्येक क्रिया उसके पीछे उसकी ऊर्जा विद्यमान रहती है, अर्थात अगर विज्ञान की भाषा में कहूँ तो पदार्थों का मिलना और टूटना ये उसके अंदर की एनर्जी पर निर्धारित करता है, और वो एनर्जी उन पदार्थों के परमाणु के अंदर होती है। बाबा वायु में उपस्थित परमाणुओं की क्रिया प्रतिक्रिया को जान लेते थे, जिससे उन्हें भविष्य पता चल जाता। बाबा बोलते, बच्चा इसे यौगिक विज्ञान भी कहते हैं। अगले दिन वे सभी भक्त श्री देवरा बाबा के दोबारा दर्शन को गए। बाबा ने प्रेम से कहा, हर प्रसाद बच्चा कल तुम नाराज हो गए होगे, क्योंकि तुम्हारी छुट्टी हमने शीघ्र कर दी थी, परंतु हमें तो तुम्हारी रक्षा करनी थी, इसी कारण से हमने तुम्हें डांटा था। तभी हम बाबा की लीला को समझ पाए। ऐसे प्यारे गुरुदेव श्री देवरा बाबा सरकार अलौकिक सिद्ध संत हैं। मित्रों, जब भी संभव हो श्री बाबा की कही हुई ब्रह्मवाणी को और उनकी कथाओं लीलाओं को थोड़ा समय निकाल कर सुना करिए। आश्रम के ऑफिशियल चैनल देवराय ज्ञान पर जाकर अन्य कथाओं को विस्तार से सुन सकते हैं, जहां श्री बड़े महाराज जी द्वारा कई सारी योग विद्याएं और शिक्षाएं भी बताई जाती हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।